चलिए बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां साईं सरकार में अब तक 122 नक्सली ढेर हो चुके हैं। जी आपको बता दें 415 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और वहीं 423 ने आत्मसमर्पण किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। नक्सल समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता है, ऐसा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है। पुनर्वास और विकास से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। बड़ी खबर है नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें साईं सरकार में अब तक 122 नक्सली ढेर हो चुके हैं, वहीं 415 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 423 ने आत्मसमर्पण किया है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। नक्सल समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता है, ऐसा उप मुख्यमंत्री ने कहा है। पुनर्वास और विकास से ही नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। तो लगातार आपको बता दें रोजाना मुठभेड़ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। समर्पण 10 लोगों ने और आत्मसमर्पण किया दंतेवाड़ा जिले में, और इस तरह कुल मैं आपसे कहूं तो मृत नक्सली 122 हैं अब तक नई सरकार बनने के बाद, आत्मसमर्पित 415 हैं और गिरफ्तार 423 हैं। ये आंकड़ा आत्मसमर्पित और गिरफ्तार आसपास है और मैं उस शुभ दिन की प्रतीक्षा में हूं जिस दिन आत्मसमर्पितों की संख्या ज्यादा होगी गिरफ्तारों से। आत्मसमर्पण के माध्यम से, पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दिशा में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प को लेकर के मैं आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, विभिन्न आयामों में एक साथ इस पर काम चल रहा है।